के दौरे पर बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को शाह पूर्णिया और किशनगंज में रहेंगे। उनके दौरे को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन ने बनाया माहौल का मुद्दा, सीमांचल में सद्भावना रैली की तैयारी, रैली के जवाब में रैली का होगा आयोजन। तो जंग का मैदान चुन लिया गया है, सीमांचल में बिगुल फूंका जाएगा। पहले बीजेपी गरजेगी तो इसके बाद महागठबंधन की तरफ से हुंकार भरा जाएगा। मुद्दा माहौल को बनाया गया है, आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। उनको 23 तारीख को रैली करने दीजिए और 23 तारीख के बाद पूर्णिया किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन का संयुक्त रैली के लिए सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित करिए। तो क्या बीजेपी नए माहौल को बनाने की तैयारी कर रही है? बयानों से समझ सकते हैं तो समझिए क्या चाहती है बीजेपी। अलगाववादी और पीएफआई का जो जाल यहाँ फैल रहा है उसको तोड़ने के लिए, मसलने के लिए, उसको कुचलने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। बीजेपी जिस मंशा के साथ मैदान में उतर रही है, सीमांचल को मथने जा रही है, उस पर महागठबंधन की भी नजर है और इसका जवाब वो सद्भावना के साथ देना चाहता है। तो सीमांचल में रैली करते हैं तो हम लोग तो बिहार के हर हिस्से में रैली करें। ये कहा जा रहा है कि रैली के जवाब में रैली होगी, तो उसके राजनीति में सवाल जवाब चलते रहता है। सीमांचल से लेकर के हम पूर्वांचल से लेकर के सभी जगहों पर हम बड़ी रैली करेंगे, क्योंकि 24 में इस देश में जो सरकार बैठी है उसको उखाड़ को फेंकना है हमको। महागठबंधन का प्लान है कि पूरे सीमांचल में एक साथ 3 रैलियां की जाए, यानी बीजेपी को जवाब उसी की भाषा में दिया जाए। और इसी को लेकर बीजेपी पूछ रही है कि महागठबंधन इतना डरा हुआ क्यों है? तो अमित शाह जी से इतना भय क्यों लगता है? हमको तो समझ में नहीं आता है कि जिसकी सत्ता है बिहार के अंदर, वो अमित शाह जी से इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? उनके आगमन मात्र से उनमें कंपन हो रहा है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सत्ता चला रहे हैं या अराजकता फैला रहे हैं। राजनीतिक स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो सीमांचल का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको साधने के लिए बीजेपी की ओर से अमित शाह का दौरा और रैली हो रही है। तो महागठबंधन की ओर से रैली की तैयारी हो रही है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बड़ी खबर।